कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी की आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक और नेता पहुंचे थे जीत की रणनीति बनाने, लेकिन पोस्टर पर अपनी तस्वीर न देखकर आपस में ही भिड़ गए। ये समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी है, जो अपनी ही पार्टी के जिलाध्यक्ष फजल महमूद पर भड़के हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक अमिताभ वाजपेयी का है। ये भी पास में खड़े जिलाध्यक्ष फजल महमूद पर ही भड़के हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों विधायकों ने मंच पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया, अब जरा ये जान लीजिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल कानपुर के सीसामऊ पहुंचे थे। यहां होने वाले उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाई जानी थी, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाना था, लेकिन उससे पहले ही विधायकों और जिलाध्यक्ष में इतना हाई जोश दिखा कि पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। कार्यक्रम में महज एक फोटो ने विवाद पैदा कर दिया। दरअसल कार्यक्रम में लगे बैनर में एसपी के दोनों विधायक अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी की फोटो नहीं थी। हालांकि इस बात को विधायकों ने दरकिनार कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मंच पर बोलते बोलते एसपी जिलाध्यक्ष फजल महमूद ने विधायकों पर चुनाव हराने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद मंच पर अफरा तफरी मच गई। दोनों विधायक और जिलाध्यक्ष आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ा कि विधायक अमिताभ वाजपेयी मंच छोड़कर चले गए। हालांकि समर्थकों के समझाने पर अमिताभ वाजपेयी वापस आए, जिसके बाद सबको एहसास हुआ कि बात हाथ से निकल चुकी है, तो विधायक जी डैमेज कंट्रोल में जुट गए। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने इस झगड़े को महज विचारों का मतभेद बताया और कहा कि एसपी में सब एकजुट हैं। रणनीति बनाने में कई तरह की रणनीति सामने आती है, तो लोग अलग अलग तरह की रणनीति के पक्षकार होते हैं, तो अलग अलग तरह से बात रखी जाती है। विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी, पार्टी समाजवादी पार्टी पूरी एकजुट खड़ी है। सभी लोग चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से ही जीतते, इसमें कोई शक नहीं है, पर हार रहे थे ये किसी के लिए कहना उचित नहीं। हमें लगता है गलत सब निकल गया होगा, भूलवश भी निकल जाता है, भावना भी निकल जाता है, तो गलत सब निकल गया होगा। विधायक हसन रूमी ने भी कहा कि बात खत्म हो चुकी है और फोटो लगाना ना लगाना जिलाध्यक्ष की अपनी मर्जी है।